If you are targeting for NMAT exam, this video is for you, because in this video we'll be talking about complete information about the NMAT examination, right from the dates, eligibility, paper pattern, syllabus, cutoff, colleges, placement, recruiters कौन कौन से हैं और कैसे अपन NMAT crack करेंगे, कट ऑफ क्या जाएगा आपका, ठीक है। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, watch it very carefully and yeah, share it to all your friends so that everyone should be benefited from this video. NMAT का एग्जाम NMIMS का तो कैंपस एक्सेप्ट करेगा ही, there are other colleges also who accept the score of NMIMS. So अगर NMAT निकालना है, speed has to be on the higher side. Negative marking नहीं है, हर section में timer है और particular question आपको कम time में solve करना है. Speed has to be on the higher side as I mentioned, ठीक है. So should know all kind of a shortcut with respect to the section and the topic. तो जो जो मैं बताऊंगा इस video में उसको follow करो and let's crack the NMAT together. So NMAT stand for Narasimha Monji Aptitude Test conducted by GMAC. So July onwards इनके form filling चालू हो गए हैं. So those who are targeting for NMIMS, please fill the application form for the NMAT. And yeah, three times you can write this exam, जिसमें भी आपका ज़्यादा score होगा वो score accept करेंगे. And it is the adaptive test. Adaptive test का मतलब क्या हुआ? अगर आपने particular question solve किया, let's say आपने कौन चालू किया, पहला question आया, solve किया, right है. Next question थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, वो आपने सॉल्व कर लिया, राइट है, फिर थोड़ा टफ क्वेश्चन बनेगा. वो क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ तो आप फिर से इजी वाले क्वेश्चन पे, उससे थोड़ा सा इजी लेवल क्वेश्चन मिलेगा आपको. दिस इज कॉल्ड एडाप्टिव टेस्ट. आप क्वेश्चन स्किप नहीं कर सकते और स्किप करना भी नहीं है, ठीक है. नेक्स्ट इज अबाउट दी टॉप कॉलेजेस और दी कैंपसेस. NMIMS के सारे कैंपस आपको मिलेंगे थ्रू योर NMAT एग्जाम, ठीक है. इसके अलावा जितने भी अदर बी स्कूल्स हैं, जैसे कि आपका तापनी हो गया, केजे सोमैया हो गया, SDA बोकनी हो गया, एंड देयर आर अदर कॉलेजेस आल्सो. उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाओ, काफ़ी कॉलेजेस का लिस्ट दिया हुआ है. आप वो सारे कॉलेजेस NMAT के थ्रू अप्लाई कर सकते हो. बहुत ही सही एग्जाम है, लिखना चाहिए. कैट अगर आपका टारगेट नहीं है तो नॉन कैट में NMAT लिखो आप, ओके. नेक्स्ट इज एग्जाम पैटर्न. थ्री सेक्शंस होंगे, लैंग्वेज जो कि आपका इंग्लिश सेक्शन है, क्वांट एंड लॉजिक जो आपको 2 hours के अंदर सॉल्व करना है. द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम इज नथिंग बट अपने हिसाब से आप ऑर्डर अटेम्प्ट करो. मतलब पहले आपको इंग्लिश अटेंड करना है, फिर आपको लग रहा है कि नहीं मैं लॉजिक करूंगा, फिर मैथ्स करूंगा, तो ये ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आप ले सकते हो. अगर आपको लग रहा है नहीं पहले लॉजिक करना है, फिर क्वांट करना है, फिर इंग्लिश करना है, तो ये भी आप ले सकते हो. अगर आपको लग रहा है नहीं पहले क्वांट लेना है, लॉजिक लेना है, फिर इंग्लिश लेना है, तो ये भी आप कर सकते हो. सो ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट इन टर्म्स ऑफ द सेक्शन वो आपके हाथ में है, ओके. सो एग्जाम होगा आपका ऑनलाइन, सेंटर पर जाके कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा. एग्जाम की ड्यूरेशन है 120 मिनट्स. इंग्लिश के लिए आपको मिलेंगे 28 मिनट्स, 36 क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर. क्वांट के अंदर 52 मिनट्स मिलेंगे 36 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, एंड लॉजिकल रीजनिंग के लिए 40 मिनट्स मिलेगा टू सॉल्व 36 क्वेश्चन. टोटल 160 मार्क्स का पेपर होगा आपका, वन क्वेश्चन 4 ऑप्शन के साथ, ठीक है. एलिजिबिलिटी वाइज, इफ़ यू आर ग्रेजुएट यू कैन अप्लाई फॉर दिस एग्जाम. 50% मिनिमम आपका ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और अगर आप फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हो तो भी आप इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हो. देर इज नो एनी एज बार. नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड कट ऑफ. ये कट ऑफ वेरी करेगा डिपेंडिंग ऑन दी कितने लोगों ने एग्जाम लिखा है NMAT का, टफनेस क्या था पेपर का, ओके. बट रफली कट ऑफ आप NMIMS मुंबई 135 प्लस 140 के आसपास पकड़ के चलो. बैंगलोर के लिए 222 प्लस, हैदराबाद 207 प्लस, NMIMS इंदौर 206 प्लस, एग्जाम बैंगलोर 220 प्लस, केजे सोमैया 218 के ऊपर. इसके ऊपर अगर आपका स्कोर आ रहा है, मैं तो हमेशा बोलता हूँ 250 प्लस का टारगेट लेके चलो, ठीक है. वैसे तापमी के लिए 220 एंड अदर कॉलेजेस के लिए 180 या उसके नीचे, ठीक है. सो जितना हायर साइड टारगेट लेके चलोगे उतना आप सेफर साइड में रहने वाले हो. नेक्स्ट इज सिलेबस अंडरस्टैंडिंग. अगर आपका एवरेज मैथ्स है तो आप आराम से NMAT क्रैक कर लोगे. बहुत टफ लेवल के क्वांट के क्वेश्चन नहीं आते हैं, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं. अगर आपने प्रैक्टिस की है अच्छा कर लोगे. तो क्वांट के अंदर पहला जो अरिथमेटिक का एरिया है, ऑल दिस टॉपिक यू हैव टू प्रिपेयर वेरी वेल. परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, एवरेज पार्टनरशिप, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क, फॉलोड बाय योर अल्जेब्रा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लॉगरिथम प्रोग्रेशन, नंबर सिस्टम के अंदर आपके सारे डिविजिबिलिटी रूल, LCM SCF रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस एंड फैक्टोरियल, मॉडर्न मैथ्स के अंदर कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रेशन, ऑल दिस टेबल, पाई चार्ट, लाइन चार्ट, बार ग्राफ, मिक्स ग्राफ, डेटा सफिश एंड केसलेट, ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, ओके. सो क्वांट के अंदर आपका DI भी आ जाएगा गाइस, ओके. नेक्स्ट इज VARC, इंग्लिश के सेक्शन में ग्रामर वाले क्वेश्चन, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, करेक्शन,
फ्रेज रिप्लेसमेंट idioms एंड phrases, vocab वाइज antonyms, synonyms, analogy, फ्रेज रिप्लेसमेंट हो गया आपका, फॉलोड बाई फिल इन द ब्लैंक्स क्लोज टेस्ट वाले क्वेश्चन. फिल इन द ब्लैंक्स वोकैब वाले भी बनेंगे एंड ग्रामर वाले टाइप भी बनेंगे. आरसी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन, क्रिटिकल टाइप एंड द इन्फ्रेंस टाइप के क्वेश्चन. एंड इन वर्बल सेक्शन पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन, ऑडमेन आउट एंड पैरा जम्बल. अगर आपका वोकैब अच्छा, बिकॉज सबसे टफ वोकैब गाइस आपको मिलेगा एनमैट के एग्जाम में, वो भी इस बुक से, वर्ड पावर मेड इजी. इस बुक का पूरा वीडियो आपके मेन्यूवर के डैशबोर्ड पे है. दोज हू हैव जॉइन मेन्यूवर लाइव और क्लासरूम, यू विल बी गेटिंग ऑल दी एक्सेस. या तो आप सेल्फ स्टडी वाला जो कोर्स है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, यू कैन चेक द प्रोग्राम देयर, जिसके अंदर आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे. ओके, लॉजिक के अंदर ऑल दी ट्रेडिशनल लॉजिक टॉपिक लाइक डायरेक्शन, कोडिंग, डिकोडिंग, सिलॉजिज्म हो गया आपका, डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन, इसके 5 क्वेश्चन सेट बनते हैं, तो भाई अच्छे से कर लेना. फॉलोड बाई कोडिंग, डिकोडिंग, क्लॉक एंड कैलेंडर के क्वेश्चंस. उसके बाद है आपका वर्बल लॉजिक, आर्ग्यूमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, इन्फ्लुएंस बेस्ड क्वेश्चन. एंड देन एनालिटिकल अरेंजमेंट, जिसके अंदर अपन लीनियर, सर्कुलर, डिस्ट्रीब्यूशन, सिलेक्शन एंड पजल वाले क्वेश्चन की बात करते हैं. ठीक है, तो अगेन इसके अंदर अगर आपका अप्रोच अच्छा है तो आप अच्छा करोगे. ट्रेडिशनल के अंदर शॉर्टकट पता होना चाहिए आपको. तो ये है आपका डिटेल सिलेबस फॉर दी एनमैट एग्जामिनेशन. की पॉइंटर्स वन शुड डेफिनेटली नो, इट इज़ दी अडेप्टिव एग्जाम एज आई मैंशन अर्लियर. ठीक है, द डिफिकल्टी ऑफ द एग्जाम गेट्स मॉडिफाइड एज यू अटेम द क्वेश्चन, वेदर इट इज राइट और रॉन्ग उस पर डिपेंड करेगा. निगेटिव मार्किंग नहीं है. टू गेट थ्रू द एग्जाम यू नीड टू क्लियर ओवरऑल कट ऑफ एंड द सेक्शनल कट ऑफ एज वेल, एंड यू कैन अटेम द एग्जाम मैक्सिमम 3 times. 3 times लिख सकते हो, जिसमें भी आपका ज़्यादा स्कोर होगा वो एक्सेप्ट करेंगे. NMMS मुंबई एंड KJ सोमैया के लिए फर्स्ट अटेम्प्ट वाला ही स्कोर वो एक्सेप्ट करेंगे, बाकी सारे कॉलेजेस के लिए 3 attempts में से जो भी हाईएस्ट स्कोर है वो एक्सेप्ट करेंगे. ये की पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए. ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट इज प्लेसमेंट ऑफ द कॉलेजेस थ्रू NMAT एग्जामिनेशन. NMMS मुंबई एवरेज पैकेज है भाई 25 lakh के ऊपर का, हाईएस्ट तो 67 के ऊपर गया हुआ है. एग्जाम भी भुवनेश्वर 19.53 LPA, हाईएस्ट इज 30 lakh पर एनम. टैपमी मणिपाल 14.6 LPA, हाईएस्ट 24.8 lakhs का है. अगर ये कॉलेज NMAT के थ्रू मिलता है तो दिस इज व्हाट द प्लेसमेंट यू विल बी गेटिंग. KJ सोमैया 14.75 LPA, हाईएस्ट इज 28.25 LPA, फॉलोड बाई IFMR 13 LPA, एवरेज हाईएस्ट इज 21.74. NMMS बैंगलोर 14.11 LPA, हाईएस्ट 43.25 LPA. SP जैन जो GMP प्रोग्राम है इनका, ओके, इसकी डिटेल मिली नहीं है तो प्लीज़ चेक दी ऑफिशियल वेबसाइट और यू कैन कॉन्टैक्ट टू दी कॉलेज. NMMS हैदराबाद 13 lakhs का एवरेज पैकेज है, हाईएस्ट इज 28.05 LPA. सॉइल गुड़गांव 10.3 LPA इज द एवरेज, हाईएस्ट इज 19.3. SDA बॉकनी 14.30 LPA, हाईएस्ट इज 39.24. बाकी और भी कॉलेजेस हैं, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक कर सकते हो और उस कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी. ओके, ऑलराइट, सो दीज आर द टॉप रिक्रूटर्स. मेजर कॉलेज में टॉप रिक्रूटर्स यू विल बी गेटिंग लाइक SDFC हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, फॉलोड बाय योर ICICI, JP Morgan है, टाटा है, नोमुरा है, ऑल दीज रिक्रूटर्स आर देयर. अगेन कॉलेज के वेबसाइट पे जाओ, उनका प्लेसमेंट रिपोर्ट्स देखो, क्या क्या रिक्रूटर्स है, क्या प्लेसमेंट मिला हुआ है, सब चीज़ें आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी. ओके, और एट टू जॉइन NMAT प्रोग्राम मेनुअर के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओ, गो टू दी बायो ऑनलाइन एंड MBA एंट्रेंस, यहाँ पे आपको फुल कोर्स में जाना है एंड यू विल गेट दी NMAT प्रोग्राम, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 371 वीडियोस, हैंडआउट्स एंड मॉक टेस्ट, ऑल दिस थिंग. ओके, सो इसका डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन डाला हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. एंड इफ यू वांट टू जॉइन अस फॉर द मॉक प्रोग्राम, यू वांट टू ऑर्डर द बुक्स ऑर्डर कर सकते हो आप यहाँ से. ठीक है, एंड लाइकवाइज इफ यू वांट टू जॉइन अस फॉर द मॉक प्रोग्राम, तो मॉक प्रोग्राम का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. ऑलराइट गाइस, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. कैट अगर नहीं लिख रहे हो तो NMAT डेफिनेटली लिखो, स्नैप का एग्जाम लिखो. नॉन कैट के एग्जाम में आपको NMAT, स्नैप, CET, CMAT ये एग्जाम तो लिखने ही चाहिए. इसके थ्रू एटलीस्ट इंडिया के आपको टॉप 50 कॉलेज में तो एडमिशन मिल ही जाएगा. ओके, और डिपेंड करता है कि आपने क्या स्कोर परफॉर्म किया है एग्जाम के अंदर. एंड इन केस इफ यू वांट टू जॉइन अस फॉर दी बैचेस, सो यू कैन विजिट आवर सेंटर. इफ़ यू आर मुंबई बेस्ड, यू कैन विजिट आवर सेंटर मुंबई, थाने, दादर, बोरीवली, अंधेरी एंड वसई. एंड पुणे के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम, दे विल गाइड यू रिगार्डिंग दी पुणे बैचेस एज वेल. एंड इफ यू नॉट मुंबई पुणे बेस्ड, देन ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए पैन इंडिया यू कैन कॉन्टैक्ट आवर टीम ऑन दिस नंबर. सारी इन्फॉर्मेशन मैंने डिस्क्रिप्शन डाली हुई है, काइंडली चेक इट. प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.